आज हम बहुत ही सुंदर ऐसी प्रेरणादायी कहानी सुनने वाले हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। लोगों का यही मानना होता है कि समय और तारीख के बदलते ही जिंदगी भी बदलती है, लेकिन वास्तव में जिंदगी का बदलाव किसी निश्चित तारीख या समय पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तो सतत चलने वाली हर किसी के जीवन में होने वाली प्रक्रिया है। जिंदगी हमेशा चलती रहती है। जीवन में यदि कोई चीज़ स्थिर है तो वह बदलाव है। जिंदगी का हर एक पल बदलता रहता है। फिर चाहे उन पलों में आप नए घर भी जा सकते हैं, नई जगह भी जा सकते हैं, नया जॉब भी हासिल कर सकते हैं, नई कार भी खरीद सकते हो, शादी या तलाक भी कर सकते हो, बच्चे को जन्म भी दे सकते हो, आर्थिक लाभ या हानि भी हो सकती है और कुछ भी बदलाव हो सकते हैं। ये सब कुछ हम सभी के जीवन में होता है। हमारे जीवन का ये एक प्राकृतिक भाग है। कभी कभी बदलाव हमारे लिए अच्छा भी होता है और कभी कभी हमारे विरोध भी हो सकता है। लोग बदलाव को जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ मानते हैं, क्योंकि बदलाव हम में हर किसी के जीवन में होता है। इस दुनिया में चीज़ कभी एक जैसी नहीं रहती, वे लगातार बदलती रहती है। इंसानी विचारों की तरह इस दुनिया में भी चीज़ भी बदलती रहती है। बदलाव को रोकने के लिए फिर चाहे आप कितने भी प्रयास कर क्यों ना करें, बदलाव यदि होना है तो आप उसे होने से नहीं रोक सकते। जिंदगी में होने वाले बदलावों को आप नहीं रोक सकते। बदलाव जीवन का एक प्राकृतिक भाग है। हमें बदलाव को बिना किसी विरोध के अपनाना चाहिए। साधारण सामान्य लोगों को बदलाव से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं बदलाव से विपरीत परिस्थितियों में न फंस जाए या फिर कहीं वह अपनी वर्तमान सफलता न खो बैठे। यह सिद्ध हो चुका है कि किसी के भी खिलाफ लड़ने से वह आपको और ज़्यादा खराब बनाते हैं। बदलाव हमेशा अलग अलग नहीं होते। जब आप बदलाव का सामना करते हो तो उससे आपको गुस्सा, अशांति, दर्द, चिंता और तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उस समय आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती रहती है। इसलिए आनंदमय जीवन जीने के लिए आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि जीवन में बदलाव को खुशी से अपनाएं। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को गुस्सा करने में, चिंता करने में या लड़ने में व्यर्थ न करें, बल्कि अपनी ऊर्जा को अच्छी आदतों में लगाएं। यदि बदलाव से आपको कोई आर्थिक नुकसान होता है तो ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि शारीरिक और मानसिक नुकसान की तुलना में आर्थिक नुकसान काफ़ी छोटा होता है। यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगा जिससे आप बदलाव से होने वाले इन नुकसानों से बच सकते हो। बदलाव को अपने विकास का अवसर समझे, उसे विकास के नज़रिए से देखिए और उसे हंसी खुशी अपनाएं। नई परिस्थितियों का, कई चुनौतियों का हमेशा स्वागत करें। आप में सच का सामना करने की और उसे सुनने की आदत होनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। बदलाव के इस अवसर को आपके कल्याण के लिए भगवान द्वारा भेजा गया पुरस्कार समझिए। आपको हमेशा यह याद रहना चाहिए कि भगवान हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहता है और हमेशा आपका ध्यान रखता है। स्वर्ग में बैठा है वह आपके पिता समान है, इसलिए अपने द्वारा भेजे गए अवसरों के रास्तों पर चलते हुए आप कभी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। इसलिए जीवन में बदलाव को आसानी से अपनाएं। हमेशा याद रखिए कि हर नकारात्मक परिस्थिति भविष्य में आपके लिए सकारात्मकता के बीज बोए रखती है। यदि आपने कोई पुरानी चीज़ों को खो दिया है तो डरिए मत, भविष्य में आपको उससे भी अच्छी चीज़ मिल सकती है। यदि आप बदलाव को चुनौतियों और अवसर की तरह स्वीकार करो तो आपका जीवन समृद्ध जीवन बन सकता है। बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने पिछले 150 सालों का है। पिछले 150 सालों में तेजी से देश में बदलाव हुए हैं और देश का विकास हुआ है, और ये बदलाव आज भी चलता जा रहा है। आप भी बदलाव की इस दुनिया में रहते हो तो इसलिए आपका सहज ही इसे अपनाना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ बदलाव के उपाय देने जा रहा हूँ, आप ध्यान से इसको फॉलो करना। पहला उपाय है ध्यान लगाना। ध्यान केंद्रित करने की बहुत सी तकनीक, बहुत सी किताबें और लेखों में बताया गया है कि ध्यान केंद्रित करने से आप में एक चमत्कारिक रूप से अपार ऊर्जा का समावेश होता है। इससे आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से भरा होता है और सही दिशा में चलने लगता है। बहुत सी ध्यान केंद्रित करने वाली साधनाओं का उपयोग करके आप मनचाहे बदलाव भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय,
सांस लेने की क्रिया। श्वास ही जीवन है और योगा के 8 तत्वों में एक श्वास है और इससे प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्वास संबंधी योगों को करते हुए आप अपने मस्तिष्क को एक गति प्रदान करते हैं और आपका मस्तिष्क जीवन में होने वाले बदलाव को आसानी से अपनाएंगे। तीसरा उपाय है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति एक तकनीक है। मस्तिष्क और कल्पना शक्ति की ताकत से आप जीवन में जो चाहे वो बन सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में मन चाहे बदलाव कर सकते हैं। आप जिन लोगों को चाहते हो उन लोगों को भी आपके पास बुला सकते हो। कल्पना शक्ति आकर्षण के सिद्धांत की तरह ही काम करता है। कल्पना शक्ति में भी आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हो और जीवन में मन चाहे बदलाव कर सकते हो। हमने सोचने की प्रणाली से इस दुनिया का निर्माण किया है। अपने विचारों को बदले बिना हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते। जीवित रहना मतलब बदलना, बदलना मतलब पूर्ण विकसित होना, विकसित होना मतलब अपने आप को बनाना है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और व्हाट्सएप का चैनल बनाया हुआ है उस चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन करिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच।